हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की मेजरमेंट जो है वो कैसे लेनी है ये मैंने आपको सिखाया था। तो इसकी मेजरमेंट तो हमने ले ली थी, अब इसकी कटिंग कैसे करनी है ये मैं आपको बताती हूँ। तो बहुत सिंपल तरीका है, फिर भी एक बार मैं आपको इसकी मेजरमेंट जो है फिर से एक बार मैं आपको चेक करके देती हूँ, यानी कि आपको पता चल जाएगा जो नए है वीडियो देखने के लिए उनके लिए। ये देखिए, यहाँ पे हमारी 13.5 इंच बैक साइड की लंबाई है और यहाँ पे हमारा 11 इंच बैक साइड का नेक आता है। उसके बाद यहाँ पे हम ब्लाउज़ को इस तरह से इसका नाप निकालेंगे। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा ब्लाउज़ को खींच के नाप लेना है। 18 इंच हमारे ब्लाउज़ का नाप आता है, एक साइड जो है वो 18 इंच यानी कि 9 इंच, इसका 1/4 निकलता है हमारा 9 इंच। ये पूरा लिया हमने तो आधा इंच, डबल किया तो पूरा चेस्ट का नाप निकलता है। उसके बाद यहाँ पे हमारा कमर का नाप 14 इंच। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करनी है। तो इसकी कटिंग कैसे करते हैं मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको सिखाऊंगी। 6 इंच इसका फ्रंट साइड का गला आता है, स्लीव जो है 4 इंच की स्लीव है और बॉटम है इसका 6.5 इंच। तो चलिए देखते हैं इसकी कटिंग कैसे करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमने ये पेपर लिया है, पेपर को इस तरह से डबल किया है। डबल करने के बाद ये बंद बाजू जो है वो अपने साइड में हमने ली है। इसके बाद यहाँ पे हमें इसकी लंबाई लेनी है, 13.5 इंच लंबाई है तो हम क्या करेंगे 14.5 इंच लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा लंबाई लेंगे। यहाँ पे एक मार्किंग करते हैं। गला जो है वो डीप गला है, बैक साइड का जो गला है वो डीप गला है, तो यहाँ पे हमें 2.25 इंच पे मार्किंग करनी है डीप गला होने के कारण। शोल्डर हम लेंगे 5 इंच पे। ये देखिए, आर्मोल जो है आर्मोल लेंगे हम 6 इंच पे। यहाँ से यहाँ तक 5 इंच लिया है तो यहाँ पे भी हमें 5 इंच लेना है और यहाँ में एक सीधी लाइन खींचनी है। चेस्ट का 1/4 आता है हमारा 9 इंच, तो हम 9 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया। अब देखिए यहाँ पे हमारा कमर का नाप आता है 14 इंच। 14 इंच आता है तो कमर का एक साइड हमारी आती है 14 इंच, तो 14 इंच आता है तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, उसका डबल करेंगे तो 28 इंच आता है। एक साइड हमारी 14 इंच आई, डबल करेंगे तो 28 इंच आता है, उसका 1/4 करेंगे तो 7 इंच आता है। उसमें 1 इंच हमें बैक साइड में लेना पड़ता है एक्स्ट्रा मार्जिन और 8 इंच हो जाता है। उसके आगे हमें क्या करना पड़ता है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना पड़ता है, तो 9.5 इंच लेते हैं। तो 9.5 इंच पे हमें मार्किंग करनी है। तो आप इस तरह से आधा इंच का, जैसे हम कमर का नाप नहीं लेंगे और यहाँ पे आधा इंच का तिरछा कर देंगे तो भी आपका कमर का जो नाप है वो एकदम परफेक्ट आएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको इस तरह से ये मार्किंग करते हैं। अब देखिए यहाँ आपको क्या करना है, फ्रंट साइड का नेक कितना है हमारा 6 इंच, तो हम 6 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ आपको इस तरह से लेना है और यहाँ हमें गले की गोलाई देनी है। अब देखिए यहाँ पे हम एक्स्ट्रा जो हमारा पेपर है उसको हम कट कर लेते हैं, इससे क्या हो जाएगा, सीधा कट कर लेते हैं, यानी कि आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें गोलाई देनी है,
अभी हमें बैक साइड की फ्रंट साइड की गोलाई देनी है 1 इंच पे, और बैक साइड की गोलाई देंगे हम 1.5 इंच पे। ये देखिए यहाँ पे हमें पहले हम फ्रंट साइड की गोलाई देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हमें बैक साइड की गोलाई देनी है। ये देखिए अभी ये हमने क्या किया, फ्रंट और बैक साइड की गोलाई दे दी, और इसे हमें क्या करना है 3.5 इंच पे मार्किंग करनी है, और इस साइड में हमें 2.5 इंच पे मार्किंग करनी है, और यहाँ ये क्रॉस पट्टी जो है वो निकालनी है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, शोल्डर का सेंटर निकालना है, यहाँ से यहाँ तक शोल्डर का हमें सेंटर निकालना है। इस तरीके से आप करेंगे तो बिल्कुल सेंटर पे ही आएगा ये मार्किंग, और सेंटर के बिल्कुल सामने क्रॉस पट्टी पे एक मार्किंग करनी है। यहाँ पे हमें 2.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है, टक्स पॉइंट के लिए हमें 2.5 इंच पे मार्किंग करनी है। 2.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद जैसे इस साइड में हमें 1/4 इंच लेना है, और इस साइड में भी हमें 1/4 इंच लेना है, ये दोनों पॉइंट जो हैं ये 2.5 इंच में आपको इस तरह से मिलाना है। अब देखिए ये सीधी लाइन जो हमने 2.5 इंच की दी है, इसे हमें क्या करना है, सीधा लेके आर्मोल में आपको इसके ज्वाइन करना है। इस तरह से आपको सीधा आर्मोल में ज्वाइन करना है। अब देखिए इसकी हम कटिंग कैसे करते हैं, पहले तो हमें बैक साइड कट करनी है, फ्रंट और बैक साइड जो है वो हम अलग अलग कर लेते हैं। पहले हमें फ्रंट का नेक जो है, फ्रंट और बैक साइड का जो नेक है वो हमने कट किया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रंट और बैक साइड जो है वो अलग कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, फ्रंट और बैक साइड जो है वो अलग की। अभी ये जो फ्रंट साइड का नेक, ये बैक साइड का हमारा ये गोलाई हो गई, अभी ये फ्रंट साइड की गोलाई जो है इसे हमें कट करना है। ये देखिए यहाँ पे हमें फ्रंट साइड की गोलाई कट करनी है, उसके बाद यहाँ पे हमें ये क्रॉस पट्टी जो है इसे कट करना है। अब देखिए ये जो दोनों साइड हैं इसे हमें कट करना है। और ये जो टक्स पॉइंट है इसे हमें, ये जो साइड है इसे हमें 1/4 इंच पे ही इसे कट करना है। अब देखिए ये आता है इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, ये दोनों पॉइंट जो है ये इसके ऊपर कटिंग नहीं करनी, इसे हमें फिर से बढ़ाना पड़ता है। जैसे कटोरी का पार्ट हम बढ़ाते हैं, इसी तरह से हमें ये पार्ट जो है बढ़ाना है, लेकिन इसका तरीका अलग है। अब देखिए यहाँ पे आपको हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच लिया, यहाँ 1/4 इंच और यहाँ 1/4 इंच लिया था। अब हमें क्या करना है, ये दोनों पार्ट को छोड़ के ये अपोजिट साइड जो है इसे हमें 1/4 इंच बढ़ाना है। इस साइड में हम 1/4 इंच बढ़ाते हैं और इस साइड में 1/4 इंच बढ़ाते हैं, तो कैसे बढ़ाना है ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे पहले हम इस पार्ट को बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ से सेंटर से 1/4 इंच इस साइड में लिया था, लेकिन हम अपोजिट साइड से बढ़ाएंगे। तो पहले हमें क्या करना है, 1/4 इंच पे मार्किंग करनी है। सवा इंच पे मार्किंग करने के बाद इस तरीके से आपको यहाँ पे क्रॉस करना है।
ये देखिए ऊपर के साइड में नहीं बढ़ाया, नीचे के साइड में ही बढ़ाया है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से ये मार्किंग जो है वो करनी है। ये सेम मार्किंग आपको करनी है, सिर्फ 1.25 इंच जो है इसे हमें नीचे के साइड में सिर्फ बढ़ाना है। ये देखिए अब इसे हमने 1.25 इंच इस साइड में बढ़ाया था, तब इसकी कटिंग भी कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पे हमने जो मार्किंग किया था बिल्कुल उसी के ऊपर हमने ये कटिंग की है। अब दूसरा जो पार्ट है उसे कैसे बढ़ाते हैं, ये देखें यहाँ पे हमने क्या किया था, इस साइड में 1.25 इंच, इस साइड में हमने 1.25 इंच लिया था। अभी हमें क्या करना है, ये देखें ये हमारा बेसिक पार्ट है, इस साइड में हमने ये 1.25 इंच इस तरह से बढ़ाया था। अभी हमें अपोजिट साइड से बढ़ाना है, तो इसे आपको इस तरह से रखना है और यहाँ पे आपको 1.25 इंच पे मार्किंग करनी है। और इसे आपको इस तरीके से रखना है क्रॉस में, ये देखिए। और यहाँ इसे मार्किंग करनी है, हमने ऊपर के साइड में नहीं बढ़ाया, नीचे के साइड में ही बढ़ाया है टक्स पॉइंट के लिए। इस तरह से अब देखिए यहाँ पे हमें इसको कट करना है, जो मार्किंग हमने की है बिल्कुल उसी के ऊपर हमें इसकी कटिंग करनी है। ये देखें तो ये जो बड़ा हुआ पार्ट है ये हमारा इस तरीके से आएगा। इस तरीके से तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये 3 पीस प्रिंसेस कट जो है वो हमने कट किया है। तो यहाँ पे हमारा एक बैक साइड है, बैक साइड का जो गोलाई है वो हमें बढ़ानी है, जैसे गला जो जैसा चाहिए वैसा हम बना सकते हैं। यह हमारी क्रॉस पट्टी है और यहाँ पे हमारा ये फ्रंट साइड है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको इसकी कटिंग बताई है, जैसे 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज जो था तो इसकी कटिंग जो है वो कैसे करनी है ये मैंने आपको सिखाया है। इस वीडियो में जो भी समझ में नहीं आया होगा आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के फिर से आपको सिखाऊंगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।